पेरिस में ऐसे क्रूज पे लेट के ब्लॉगिंग करने का अलग ही मजा है। प्यार की राह में चलना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ इस टाइम पेरिस में। तो आज का अपना सीन है कि क्रूज पे बैठना है और क्रूज से एक्सप्लोर करेंगे जरा पेरिस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देख लिए, यहाँ पे एक क्रूज बचा है। तो मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से अपन को क्रूज बुक करना है और क्रूज पे बैठना है। सो ये है अपना लोकेशन। ओके, सो इट्स ऑफ 18 यूरोस, राइट? 18। ऑलराइट, सो टेक दिस। थैंक यू। ओके, इट्स फ्रॉम 340, राइट? ओह ओके, ऑलराइट, थैंक्स। तो ये है अपना क्रूज जिस पे भी हम जाएंगे। ओके, सो अपना क्रूज आ गया इधर, ये रहा। और सर जो पहले पिछले पैसेंजर्स हैं वो उतर रहे हैं। प्यार की राह में चलना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। चलते हैं, हाय। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इसका किराया लिखा है यहाँ पे 18 यूरो जो हमने पे कर दिया है। और ये रूट है इसका, यहाँ यहाँ से होके जाएगा। एंड देन ये टाइमिंग्स लिखी हैं। तो हर पार्ट से हम एक्सप्लोर करेंगे ज़रा क्रूज को। और ये है इसका पीछे वाला पोर्शन सारा जो बिल्कुल ओपन है। और फिर ये थोड़ा छांव वाला पार्ट भी है जो इसके अंदर है। फिर ये एक टॉप पार्ट है जो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है, और टॉप वाला पार्ट। तो मेरे को सबसे बढ़िया जो पार्ट लग रहा है वो टॉप वाला लग रहा है। या ओके, सो टिकट वेरीफाई करने के बाद अपन जा रहे हैं क्रूज में, एंटर कर रहे हैं। थैंक यू। अपन ने बोर्ड कर लिया है और क्रूज के ऊपर आ चुके हैं अपन। तो ये देखो जरा इधर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, और अपन बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं। ओके, अपन फ्रंट पे खड़े हैं और ये पीछे का व्यू है। अभी थोड़ी देर बाद अपन ऊपर भी जाएंगे इसके टॉप पे, और अभी के लिए तो बैठते हैं आराम से। Ladies and gentlemen, good afternoon, welcome aboard Better Parisian during our cruise. 2000 years later. और ये चल पड़ा अपना क्रूज। So she's telling about the stops that we will encounter in between the journey. क्रूज चल पड़ा है, ओवरमोर में बैठे हैं। यो वर्मा, मैं जो है सबसे आगे बैठा हूँ, और जो व्यू आ रहा है ना भाई, एकदम मस्त गजब है। तो आपको भी दिखाते हैं जरा सेम व्यू। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ नोटर डैम की ओर से आके, हम इधर टर्न लिया और अब हम इधर जा रहे हैं विले द होटल की तरफ। Ladies and gentlemen, in front of us is the most romantic bridge in Paris, Marie Bridge. ये वाला जो हमारे सामने ब्रिज आ रहा है, ये है मारी ब्रिज। यहाँ पे देखो कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं एकदम अपने अपने टेंट लगा के। ये वाला जो आइलैंड है ये करीबन 350-400 साल पहले का है। और ये आइलैंड की वजह से नोटरे डैम और सिटी ऑफ द पेरिस दोनों तरफ दोनों की ब्यूटी बढ़ती है। ये वाला कैन सी द अनदर ब्यूटी ऑफ पेरिस हियर इन फ्रंट ऑफ मी। So these are the policemen. Oh, how fast is it? So this is the Louvre Museum. So ये पेरिस का पोर्ट है मेरे सामने। कितना ब्यूटीफुली डिजाइन है ना ये ब्रिज है ना, यहाँ डबल ब्रिज है, ये मजेदार है ना। ये एक तो ऊपर ऊपर जाओगे या नीचे नीचे जाओगे, नीचे जब ऊपर चढ़ोगे ना तुम्हें डर लगेगा क्योंकि बीच में खाली जगह है। तो तुमको लगेगा कि तुम गलती से कुछ छूट गया तो नीचे गिरे जैसा ही क्या। क्रूज है वो बिल्कुल इसके सामने से निकल रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये सेन रिवर है जिसमें अपना क्रूज है, और वो सामने ब्रिज जो जिसपे अपन ने कल ब्लॉग बनाया था, जैसा कि आपने आईफिल टावर वाले ब्लॉग में देखा होगा। जरा चलते हैं रूफ टॉप पे और वहाँ से ज़रा कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं। Should I take it or leave it out?
All right, so let's explore the other parts of this. हम इस क्रूज के अलग अलग पार्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये है इसका पीछे का पार्ट. सीट्स खाली हैं क्योंकि इस टाइम लोगों ने ज़्यादा ऑप्ट नहीं किया है इसको. कल आईफिल टावर तो बहुत भरा हुआ था लेकिन आज क्रूज हमें खाली मिला है. ओ ये व्यू है और यहाँ पे ये टॉप व्यू है इसका. ये वाला टॉप पे जा सकते हैं हम इसके, तो चलो ज़रा ऊपर भी चलते हैं. अलग ही फील आ रहा है, थोड़ा सा नीचे से डिफरेंट फील आ रहा है. दो दिन का जर्नी था पेरिस का, ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, बहुत ज्यादा मजा आया. तो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वहीं अपन दोबारा पहुंच गए. तो ये नॉटर डैम, ये था 1 घंटा 20 मिनट का जर्नी. ओके सो मैं पेरिस आया हुआ था 2 दिन के लिए और वर्मा जी 2 दिन से ही मेरे साथ हैं और वर्मा ने भाई बहुत हेल्प करी है और पूरी तरह से गाइड किया है. अगर ये नहीं होता तो मेरे को 2-4 दिन और लग जाते इस पूरे मतलब इस पेरिस को, इतनी ही जगह को एक्सप्लोर करने में. तो थैंक्स टू वर्मा, थैंक्स ब्रो. ओके थैंक यू फॉर कमिंग हियर. यस सो फिर पेरिस के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. बाय वर्मा. बाय बाय. पेरिस बस.